राजधानी देहरादून में प्रदेश के संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने बुधवार को उत्तर समकालीन आर्ट गैलरी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री सतपाल महाराज ने आर्ट गैलरी की उचित देखरेख न होने पर आक्रोश व्यक्त किया है। इसके साथ ही उन्होंने संस्कृति विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वहां पर साफ सफाई का प्रबंध करने के साथ साथ धरोहरों का भी संरक्षण किया जाए। इसके साथ ही मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि उत्तर आर्ट गैलरी का उद्देश्य उत्तराखंड के चित्रकारों को उनकी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए एक मंच देना है। और इसी क्रम में मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि पूर्व में भी उनके द्वारा आर्ट गैलरी को व्यवस्थित करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अभी तक उसमें कोई प्रगति दिखाई नहीं दे रही है। इसलिए तत्काल प्रभाव से आर्ट गैलरी का समुचित संरक्षण कर व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। आज उत्तरा आर्ट गैलरी जो है, ये आर्ट म्यूजियम जो है, इसमें हम आए हुए हैं और यहाँ पर काफी चीजें रखी हुई हैं जो हमारे सुरेंद्रपाल जोशी जी ने यहाँ डेडिकेट किए हैं। और 2013 का जो त्रासदी हुई थी केदारनाथ की, उसके उपलक्ष्य में ये सब चीज़ें यहाँ बनाई हुई हैं। हेलीकॉप्टर है, उसकी क्रैश जो है वो दिखाया हुआ है, मकान बना हुआ है। तो हम यहाँ बड़े कंसर्न हैं इस मामले को लेकर के कि यहाँ पर ह्यूमिडिफायर नहीं है, मशीनें लगी नहीं है, जिससे कि यहाँ पर ये चंक लग रहा है और ये हमारी जो करोड़ों की संपत्ति है ये नष्ट होती जा रही है। तो मैं यहाँ सेक्रेटरी साहब को भी लाया हूँ ताकि ये इन चीज़ों को देखें और कार्रवाई करें और मशीनें लगाएं, ह्यूमिडिफायर लगाएं। ये हमारे उत्तराखंड की विरासत है। इसके साथ साथ और भी गैलरी लगी है और हम चाहते हैं कि जो कला विज्ञ हैं और आर्टिस्ट हैं वो भी अपने अपने यहाँ पर कृतियों को रखें और जनता इन कृतियों को देखें।